फाइनली मोहसिन खान अपनी को-स्टार शिवांगी जोशी के साथ पहुंचे अवार्ड शो में। वेल, ये अवार्ड शो था जी गोल्डन अवार्ड शो, जहां पर मोहसिन शिवांगी नहीं बल्कि यहां पर पहुंचे थे खुद नक्श, सुरेखा और समर्थ भी, यानी कि रिश्ता की टीम पूरी पहुंची थी, जहां पर फाइनली सीरियल ये रिश्ता की जो एक्ट्रेस है यानी कि शिवांगी जोशी, जो नायरा के नाम से मशहूर है, जिनकी जोड़ी को काफी पसंद करते हैं व्यूवर्स, इन्हीं की जोड़ी को लेकर अब यहां पर हम आपको कुछ बताने वाले हैं। दरअसल जब भी मोहसिन और शिवांगी किसी भी अवार्ड शो पर साथ में जाते हैं तो कुछ ना कुछ मोमेंट शिवांगी के साथ एम्बेरेसिंग होता ही है, चाहे वो उसकी ड्रेस को लेकर हो या फिर किसी और चीज को लेकर। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर हर बार अपनी ड्रेस की वजह से सबके सामने एम्बेरेस होना पड़ता है शिवांगी जोशी को, तो इस बार भी होना पड़ा। और ये मोमेंट तब हुआ जब शिवांगी जोशी और मोहसिन खान साथ सबके सामने अपने सीरियल को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन इसी बीच ये रिश्ता के प्रोड्यूसर राजन शाही जी की एंट्री होती है, नायरा यानी कि शिवांगी जोशी उनके पैर छूती है और उसी बीच अपनी ड्रेस को ठीक करती भी नजर आती है। जी हाँ, हर बार शिवांगी के साथ उनकी ड्रेस को लेकर होता है एम्बेरेसिंग मोमेंट। कैसा है वो एम्बेरेसिंग मोमेंट, ये आप हमारे वीडियो में देख सकती हैं, और किस तरह से मोहसिन खान है शिवांगी जोशी के साथ, जो हर बार उनको बचाते हैं, हर बार उनकी ड्रेस का पूरा ख्याल रखते हैं, शिवांगी का ख्याल रखते हैं, और इस बार भी मोहसिन ने शिवांगी का पूरा ख्याल रखा है। क्या करें हम लोग, किसका बेटा है? यार अवार्ड्स के लिए हमेशा ही आई थिंक सारे एक्टर्स सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। हमारा शो भी काफ़ी कैटेगरीज में, हम सभी काफ़ी सारे नॉमिनेशंस हैं, सो वी आर लुकिंग टू यू नो टेक समथिंग होम। आई वन माय डेब्यू ईयर, या तो गोल्ड अवार्ड्स बहुत 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 ज़्यादा क्लोज टू आवर हाजी, वी वन आवर डेब्यू इन दिस अवार्ड, तो हमारे लिए अवार्ड बहुत 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 ज़्यादा मायने रखता है। आई लव द गोल्डन कार्पेट, आई थिंक मैं पहली बार गोल्डन कार्पेट पे चल रहा हूँ, एंड इंशाल्लाह ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम, ऑल द शोज, सब खुश रहे, सब खुशी से जाए यहाँ से, एंड सबसे ज़्यादा खुशी से हम जाए ये रिश्ता अवार्ड्स लेके, उन्हें खुशी मिले हमें अवार्ड देखते मिलते हुए। ऐसा नहीं है, हर वक्त नहीं मिलता, पर हम चाहेंगे मिले। हर वक्त नहीं मिलता यार, क्यों नहीं देते? हर वक्त नहीं मिलता यार, हर वक्त नहीं मिलता, बट हम चाहेंगे कि हर वक्त मिले, एंड वी आर होपिंग कि आज मिले ये रिश्ता को तो मिले, हम दी एंटायर टीम में इंशाल्लाह। बिल्कुल, हमारे आज 950 एपिसोड्स कंप्लीट हुए व्हेन सिंस द टाइम वी एंटर्ड, एंड इंशाल्लाह हमारे 1000 पे भी पक्का गोना है, होने वाले हैं, एंड वी आर वेरी वेरी हम्बल्ड एंड ओवरवेलम्ड एवरी सिंगल डे कि हम एक ऐसे हिस्टोरिक शो का पार्ट है जो 3000 एपिसोड्स कंप्लीट कर चुका है। गोल्डन मोमेंट, आई थिंक गोल्ड अवार्ड्स फर्स्ट अवार्ड्स थे जो हमारे आने के बाद हमने आई थिंक फर्स्ट आई थिंक वी एंटर्ड इन मे एंड इट हैपेंड इन जून, तो आई थिंक पहली बार हम कहीं साथ में अवार्ड फंक्शन में थे, गोल्ड अवार्ड्स थे। ऑलराइट, आई एम वेयरिंग दिस, देयर वाज दिस स्टाइल्ड बाय माय फ्रेंड विक्टर, एंड गॉड ब्लेस हिम, he does an amazing job, thank you so much brother, I know main hamesha last minute call karta hu dekho, but really sorry, all I asked him was ki make sure ki usme kuch gold ho, that was all the instructions, same, so yes, and we have Rajan sir here, yeah. See, this is called timing, aise nahi bhai sahab,
So my friend Neha has styled this look for me, and I'm wearing a ballroom gown, which again has gold because it's gold awards. It has to be. You're matching. Yes, all of us. I record this. Go. Please. Come. Are. Rumi. How are you? Bilkul. We all excited. I think Gold Award is an award to look forward to. Hum sab wait karte hain is din ka har saal, and all looking forward to as a team. And I know both are waiting for us to come, and we'll all enter together as a team. क्या कर रहे हैं आप ऐसे? That's good. आप क्या कर रहे हैं ऐसा? आप क्या कर रहे हैं ऐसा? आप क्या कर रहे हैं? पूरी टीम कर रही है शायद कुछ ऐसा. पूरी टीम की मेहनत है आई थिंक. ये रिश्ता कहलाता है, एक ऐसा है कि जितना रिश्ता पता चल जाएगा ना, स्पेशली इन दोनों का, आई थिंक वो शो शायद बंद हो जाए, तो रिश्ता पता ही नहीं चले, लोगों गेस करने दो. क्या होने वाला है देखते हैं. जस्ट वेट आई थिंक it's a good phase. I mean, lot of great reactions from people around, and let's look forward to the great journey. And of course, Diwali mein ek bahut kamal kuch cheez hone wali hai, and tabhi wo Diwali kehlayegi. Diwali pe dhamaka hi hoga. I think sabhi aap sabhi ke liye Diwali pe ek dhamakedar surprise hoga. Iske liye animals. मेरी बिल्ली है, मैं उसे अच्छे से रखता हूँ, दरवाजा बंद करके सब खिड़की पटाखे पटाखे लोग कम फोड़ें, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आसपास एनिमल्स ना हो, क्योंकि वो डरते हैं, और ये चीज़ हमें समझनी चाहिए. नेक्स्ट नाइन लाइफ से रचनी की रिपोर्ट.